हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 5 में हम देखते हैं गुए लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी गुए के फोन में एक मैसेज आता है और फिर गुए मैसेज चेक कर रहा था और ये देखकर जावली प्रोफेसर जियांग से कहता है गुए अपना मोबाइल लेकर क्लास में खेल रहा है, जरा देखिए प्रोफेसर। और जवाब में प्रोफेसर जियांग कहता है तो तुम्हें किसने रोका है? और ये सुनकर यून मुस्कुराने लगती है। फिर गुए जावली से कहता है एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, तुमने भी तो एग्जाम दिया था। और ये सुनकर जावली फोन निकालता है रिजल्ट देखने के लिए और ये देखकर प्रोफेसर जियांग जावली की तरफ देखने लगता है और फिर जावली फोन नीचे रख देता है और कहता है मैं अब ये चेक नहीं करूंगा। फिर प्रोफेसर जियांग कहता है 5 मिनट रेस्ट कर लो और तब तक तुम लोग रिजल्ट भी देख लो। और रिजल्ट देखकर जावली घमंड दिखाकर गुए के पास आकर कहता है मुझे 639 मार्क्स मिले हैं और तुम्हें? और फिर गुए अपना रिजल्ट दिखाकर कहता है 671 मार्क्स। और ये देखकर जावली तो जोर का झटका जोर से लगता है और घमंड भी चूर चूर हो जाता है। और फिर जावली गुस्से में गुए से कहता है तुमने जरूर चीटिंग की है। और इधर हम देखते हैं फूफे बस मोमो के बारे में ही सोच रहा था और बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोमो ऑफिस आती है और ये मोमो की ड्रीम एडवर्टाइजिंग कंपनी है। फिर मोमो जब काम कर रही थी तब मोमो की मोमो को फोन करके कहती है मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ और आंटी जू के बेटे से भी मिल लूंगी, हम साथ में डिनर करेंगे। और ये सुनकर मोमो कहती है मॉम आपको घर से निकलने से पहले एक बार मुझे बताना तो चाहिए था, ऐसे अचानक क्यों आ रही हो। इसके बाद हम देखते हैं शाम को मोमो अपनी मॉम को रिसीव करके एक रेस्टोरेंट में लाती है खाना खिलाने के लिए। फिर मॉम बहुत सारा खाना देखकर कहती है इतना सारा खाना कैसे खत्म होगा, मैंने कहा था कि गुए को भी बुला लेते हैं पर तुम नहीं मानी, तुम सच में पागल हो, जब गुए घर पे आएगा तब हम भी वहाँ जाएंगे। और ये सुनकर मोमो कहती है मैंने कहा ना कि मैं वहाँ से जल्दी ही निकलने वाली हूँ तो क्यों जाना है वहाँ। और फिर मॉम कहती है तुम्हें नहीं निकलना चाहिए, यह ठीक नहीं है, तुम्हें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए बेटा। और ये सुनकर मोमो कहती है मैं एक लड़के के साथ रहती हूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर मॉम हंसकर कहती है इसलिए तो मैं उसे देखने आई हूँ। मॉम की बातों से हमें ये लगता है कि मॉम यहाँ पर गुए और मोमो के सेटिंग कराने के लिए आई है। इसके बाद हम देखते हैं मॉम गुए से मिलने घर पर आती है और फिर मॉम गुए से कहती है तुम जब बहुत छोटे थे तब मैंने तुम्हें देखा था और तुमने तो मेरी गोद भी गीली की थी। अब गोद गीली करने वाली बात मोमो के सामने सुनकर गुए थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करता है और ये सुनकर मोमो भी हंसने लगती है। फिर मॉम गुए से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर गुए कहता है नहीं। और फिर मॉम कहती है तुम्हें एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए, पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन तुम्हें अपनी पर्सनल बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, अभी तुम्हारी उम्र है तो तुम्हें गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। असल में मॉम का इशारा मोमो की तरफ थी। मॉम की बातें सुनकर मोमो हंसने लगती है और ये देखकर मॉम कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? फिर मॉम गुए से कहती है मैं तुम्हारे लिए खुद की उगाई हुई वॉलनट्स और तिल लाई हूँ, एक साइंटिस्ट को वॉलनट्स और तिल खाना चाहिए, क्या मैं तुम दोनों के लिए कुछ टेस्टी टेस्टी बनाऊँ क्या? और ये सुनकर मोमो गुए को इशारा करके ना कहने के लिए कहती है बट गुए हाँ कहता है। और मॉम बहुत खुश होकर कहती है तुम लोग वॉलनट्स तोड़ो मैं तिल बनाती हूँ। फिर मोमो और गुए दरवाजे से वॉलनट्स तोड़ रहे थे और मॉम किचन से उन दोनों को देख रही थी। अब वो दोनों साथ में इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे कि मॉम उन दोनों के पास आकर बैठती है और बस उन दोनों को ध्यान से देखने लगती है। फिर मॉम उन दोनों को एक नया तरीका दिखाती है वॉलनट्स तोड़ने की। इसके बाद मॉम गुए को तिल का सूप देती है खाने के लिए बट वो बहुत गर्म थी। और फिर मॉम मोमो के लिए सूप लाती है और क्योंकि सूप का बोल बहुत गर्म था और कहीं मोमो को चोट ना लग जाए इसलिए गुए मॉम के हाथ से सूप लेकर टेबल पर रख देता है। फिर खाना खाने के बाद मॉम को थकान महसूस होती है इसलिए आराम करने के लिए मोमो के रूम में जाने लगती है लेकिन मोमो कहती है यहाँ से चलते हैं, मैंने होटल में रूम बुक कर दिया है। फिर मॉम गुए से पूछती है अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी क्या? फिर मोमो गुए को इशारा करके हाँ कहने के लिए कहती है बट गुए कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके रेस्ट कीजिए। और हम देखते हैं गुए सब बहुत कुछ दिख रहा था
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फूफे बहुत ही सादा सर दिख रहा था और बैठकर ड्रिंक कर रहा था और बस मोमो को याद कर रहा था। तभी यहाँ पर वांगशन आती है नूडल्स लेने के लिए। फिर वांगशन नूडल्स लेकर जब जा रही थी तब वो वेटर्स के साथ एक आदमी का धक्का लग जाता है और वो आदमी भड़क जाता है और फिर वो आदमी वांगशन के ऊपर भी भड़क जाता है और फिर पैसे मांगने लगता है। तभी फूफे आकर अपना वॉलेट दे देता है और फिर वांगशन का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। फिर वांगशन फूफे से पूछती है तुम यहाँ पर अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे थे। फिर फूफे कहता है मैं एग्जाम में फेल हो गया। फिर वांगशन कहती है मेहनत करके फिर से एग्जामिनेशन में बैठो, उदास होकर कुछ नहीं होगा। फिर फूफे कहता है मुझे उसकी कोई उम्मीद नहीं है। फिर वांगशन कहती है अभी जो तुमने किया उसके बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मोमो ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन सुबह मोमो को नींद से उठाने की कोशिश करती है लेकिन मोमो तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस कह रही थी मोम अभी तो अलार्म भी नहीं बजा, बस और 10 मिनट सोने दो ना। और ये सब गुए अपने रूम से सुन लेता है और फिर मुस्कुराने लगता है। फिर वो तीनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद गुए लैब आता है और सीनियर गुए से पेन मांगता है। फिर गुए पेन देने के लिए जब बैग खोलता है तब वॉलनट्स देखकर मोमो के बारे में सोचने लगता है क्योंकि ये वॉलनट्स उसको मोमो ने ही दी थी। फिर गुए यूइन और जाउल को भी वॉलनट्स देता है। कुछ देर बाद प्रोफेसर जब लैब में आता है तो देखता है कि सब लोग एक्सपेरिमेंट छोड़कर वॉलनट्स लेकर खेल रहे हैं और ये देखकर प्रोफेसर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है लैब में वॉलनट्स कौन लाया। फिर जब पता चलता है कि गुए लेकर आया है तब प्रोफेसर जियांग कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने काम में सीरियस रहोगे और रिसर्च पर हमेशा फोकस करोगे। इधर हम देखते हैं वांगशन फूफे को पढ़ने में मदद कर रही थी लेकिन फूफे पढ़ने वालों में से कहा उसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। और ये देखकर वांगशन कहती है अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें मोमो के पास लेकर जाऊंगी। और ये सुनकर फूफे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोमो ऑफिस से घर आने के बाद सोफे पर लेट जाती है और ये देखकर मोम कहती है ये तुम क्या कर रही हो, कैसे बैठी हो, देखो तो जरा अगर गुए ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। फिर मोमो कहती है मोम कुछ नहीं सोचेगा। तभी गुए आता है और गुए को देखकर मोमो ठीक से बैठती है। फिर मोम गुए से कहती है तुम आ गए, जरूर भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। फिर मोम मोमो से सब्जी काटने के लिए कहती है और फिर गुए के सामने मोमो की बहुत तारीफ करने लगती है लेकिन मोमो मोम की इरादे पर पानी फेरते हुए कहती है नहीं खुद ही सब्जी काट लो। फिर गुए मोम को सब्जी काटने में मदद करता है और वो सब्जी स्केल से नाप कर काट रहा था और ये देखकर मोमो गुए की मजाक उड़ाते हुए कहती है कहीं तुम्हें माइक्रोस्कोप की जरूरत तो नहीं है। फिर मोमा कर मोमो को डांटती है और गुए की साइड लेती है। इसके बाद मोमो गुए को पढ़ते हुए देखकर कहती है लगता है फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। और ये सुनकर गुए कहता है अगर मुझे पसंद ही नहीं होता तो मैं पढ़ता ही क्यों। इसके बाद मोम गुए और मोमो को लेकर गेम सेंटर आते हैं। पहले तो गुए को गेम समझ में नहीं आ रहा था लेकिन जब गेम समझ में आ जाता है तब गुए लगातार गेम जीतता जा रहा था और गेम जीतकर बहुत सारे पैसे भी मिले थे और गुए सारे पैसे मोमो को दे देता है और घर आने के बाद मोमो सारे पैसे मोम को दे देती है। फिर हम देखते हैं गुए अपना बुक ढूंढ रहा था क्योंकि उसका बुक नहीं मिल रहा था, इसलिए मोमो से पूछता है क्या तुमने कहीं मेरी बुक देखी है क्या। फिर मोमो कहती है नहीं, मोमो फ्लोर पर बैठी हुई थी इसलिए मोम मोमो को सोफे पर बैठने के लिए कहती है क्योंकि गुए सोफे पर बैठा हुआ था। फिर मोम गुए और मोमो को एक दूसरे के करीब लाने के लिए बहाना बनाकर कहती है मेरी मैगजीन कहाँ गई, यही तो रखी थी। और फिर हम देखते हैं ताकि गुए पढ़ाई को छोड़कर मोमो की तरफ ध्यान दे इसलिए मोम ने गुए का बुक छुपा दी थी। फिर गुए और मोमो को एक साथ सूप पीते हुए देखकर मोम हंसकर कहती है तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक साथ बहुत टाइम से रह रहे हो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। और ये सुनकर मोमो और गुए दोनों एम्बैरेस्ड फील करते हैं और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।